और भोपाल से एक और खबर आपको बताते हैं। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का विवादित बयान सामने आया, कहा कि बलात्कारियों के माता पिता को भी सजा दी जाए। आकाश विजयवर्गीय ने कहा है, बच्चों का भविष्य बनाने और बिगाड़ने में माता पिता का योगदान है। बच्चों को केवल पैदा करके छोड़ देना ही माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है। भविष्य में मौका मिला तो इसके लिए कानून बनाऊंगा। अगर माता पिता ध्यान नहीं देते तो बच्चे सही नहीं निकल पाते। पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान, जितने भी महान लोग हैं उन्हें अच्छा बनाने में उनके माता पिता ने अपने जीवन को खपाया है, तब जाकर के वो बच्चे आगे बढ़ते हैं। और इसी प्रकार जो बच्चे गलत दिशा में रहते हैं, जैसे मेरी तो सोच ऐसी रहती है कि अगर भविष्य में कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं तो लॉ ही बना दूंगा। जैसे कोई बच्चा बलात्कार करता है तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि उसके उसको तो सजा मिलनी चाहिए, एक दो साल की सजा उसके माता पिता को भी मिलना चाहिए। तो ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का विवादित बयान सामने आया है, कहा कि बलात्कारियों के माता पिता को भी सजा दी जाए। बच्चों का भविष्य बनाने और बिगाड़ने में माता पिता का योगदान है। बच्चों को केवल पैदा करके छोड़ देना ही माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है। भविष्य में मौका मिला तो इसके लिए कानून बनाऊंगा। तो बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय का ये विवादित बयान सामने आया, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा कि बलात्कारियों के माता पिता को भी सजा दी जाए। बच्चों का भविष्य बनाने और बिगाड़ने में माता पिता का योगदान है। बच्चों को केवल पैदा करके छोड़ देना ही माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है। कहा कि भविष्य में अगर मौका मिला तो इसके लिए कानून बनाऊंगा। तो बयान भी हमने आपको सुनवाया किस तरह से बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय का बयान सामने आया है। तो भविष्य में मौका मिला तो इसके लिए कानून बनाऊंगा, आकाश विजयवर्गीय ने कहा। तो बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का यह बयान सामने आया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से, हमारे साथ सहयोगी प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, बड़ा बयान बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का सामने आया है, माता पिता को सजा देना, ये कैसा बयान हुआ प्रमोद? मतलब कि अगर किसी ने कृत्य किया है तो उसको छोड़कर माता पिता को सजा दी जाएगी क्या? देखिए, दरअसल बलात्कार की जो घटनाएं सामने आ रही हैं और उन घटनाओं से संभवतः भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय आहत हो गए और उन्होंने इंदौर में एक निजी कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। दरअसल वो ये कह रहे थे कि जो संस्कार होते हैं माता पिता, वही देखिए बच्चों के भविष्य का निर्धारण करते हैं। जो बच्चे सक्सेस हो जाते हैं उन्हें उनके माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं, और जो गलत राह पकड़ लेते हैं बलात्कार जैसे और दूसरों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं तो उसके पीछे गलत संस्कार ही होते हैं। भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय ने देखिए खुले मंच से कहा ये बात कि जो बलात्कार के आरोपी हैं उनको सजा तो मिलनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ सालों की सजा उनके माता पिता को भी मिलना चाहिए, ताकि ये एक नाजीर पेश हो तो अपने बच्चों को बेहतर वो संस्कार दें। दरअसल जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं उस परिपेक्ष में भाजपा विधायक बोल रहे थे, और आकाश विजयवर्गीय ने यहां तक कह डाला कि जो बलात्कारी हैं उनके माता पिता को भी सजा मिलना चाहिए, और आगे यदि भविष्य में मौका मिला तो वो जो नियम है, जो कानून है, लॉ है, उनमें भी प्रावधान करेंगे। ये बड़ा बयान, बड़ा स्टेटमेंट बीजेपी विधायक ने दिया है। देखिए, बीजेपी विधायक तो है ही आकाश विजयवर्गीय, लेकिन एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, और जो लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं देश भर में, उन घटनाओं के पीछे उन्होंने जिम्मेदार उन माता पिताओं को माना है जब जिनके बेटे ऐसे आपराधिक कृत्य में शामिल होते हैं। उनके बयान का साफ मतलब यही है, और कांग्रेस पार्टी उनके इस बयान पर देखिए निशाना साधती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उन्हें कौन से संस्कार मिले थे जो उन्होंने बल्ला कांड किया, और देखिए सियासी पारा भी चढ़ेगा बल्ला कांड अभी तक कांग्रेस नहीं भूल पाई है। हालांकि ये बयान इंदौर में आकाश विजयवर्गीय का सामने आया। बहुत शुक्रिया प्रमोद आपका तमाम जानकारी के लिए।